हम सभी जीवन में सफल होना चाहते हैं और हम सभी यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सफल होने के लिए मेहनत करना कितना जरूरी है। लेकिन बहुत बार जो हम नहीं जानते वो ये है कि सफल होने के लिए आखिर हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, मेहनत यानी हार्ड वर्क। आज मैं आपको एक घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए कई गुना मेहनत करने लगेंगे। हम सभी महान मुक्केबाज यानी महान बॉक्सर मोहम्मद अली के बारे में तो जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद अली बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी के इतिहास का सबसे महान बॉक्सर है। जिस तरह सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का भगवान माना जाता है, ठीक उसी तरह मोहम्मद अली को भी बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी का भगवान माना जाता है। कुछ सालों पहले की बात है, अमेरिका के एक मशहूर अखबार के एक सीनियर रिपोर्टर यानी एक वरिष्ठ पत्रकार को मोहम्मद अली का इंटरव्यू लेने का काम सौंपा गया। उस समय मोहम्मद अली दुनिया का नंबर वन बॉक्सर था, हैवीवेट चैंपियन। बड़े बड़े बॉक्सर उसके सामने रिंग में उतरने से कांपते थे, आम आदमी की तो बिसात थी क्या है। उसका एक पंच इतनी ताकत से पड़ता था कि जैसे किसी ट्रक ने आपको टक्कर मार दी हो। तो इतने जबरदस्त बॉक्सर का इंटरव्यू भी जबरदस्त होना चाहिए, और इसीलिए उस पत्रकार ने जो मोहम्मद अली का इंटरव्यू लेने वाला था उसने एक पूरा दिन मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद अली के जिम में बिताया, पूरी बारीकी से उसकी हर बात को नोट किया, और दूसरे दिन दोनों इंटरव्यू के लिए बैठे। पहला सवाल उस रिपोर्टर ने मोहम्मद अली से पूछा कि सर आप इतने महान बॉक्सर कैसे बने। मोहम्मद अली ने जवाब दिया, देखिए जब भी मेरी किसी से फाइट होने वाली होती है यानी किसी से मुकाबला होने वाला होता है तो मेरी प्रैक्टिस शुरू होती है। मैं सुबह सुबह प्रैक्टिस के लिए जिम में आ जाता हूँ, मैं खूब मेहनत करता हूँ, खूब पसीना बहाता हूँ, और एक समय ऐसा आता है जब मैं सोचता हूँ कि बस बहुत हुआ, अब मैं और प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तब मैं सोचता हूँ कि जिससे मेरा मुकाबला होने वाला है वह अभी क्या कर रहा होगा, वो भी जरूर जिम में प्रैक्टिस कर रहा होगा क्योंकि वो जानता है कि उसका मुकाबला मुझसे यानी मोहम्मद अली से होने वाला है, वह अभी जरूर प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो अब मैं और प्रैक्टिस करने में लग जाता हूँ। फिर कुछ समय बाद मैं थक कर चूर हो जाता हूँ, मेरा मन कहता है कि बस अब और प्रैक्टिस नहीं। तब मैं फिर सोचता हूँ कि जिससे मेरा मुकाबला होने वाला है वो भी क्या कर रहा होगा, और मेरे मन में ख्याल आता है कि वह भी जरूर नहा रहा होगा क्योंकि इतनी मेहनत इतनी प्रैक्टिस तो वह भी नहीं कर सकता है। तो क्या फिर आप अपनी प्रैक्टिस बंद कर देते हैं, रिपोर्टर ने पूछा। मोहम्मद अली मुस्कुराया और बोला, नहीं, अब तो मेरी असली प्रैक्टिस शुरू होती है। अभी तक तो हम दोनों बराबर थे लेकिन अब मैं उससे आगे हूं। रिपोर्टर ने पूछा, कितनी प्रैक्टिस करते हो आप, जैसे आप ये जो पुशअप्स लगाते हो कितनी पुशअप्स लगाते हो रोज। मोहम्मद अली ने कहा, 1000 पुशअप्स। रिपोर्टर ने कहा, सर माफ कीजिएगा लेकिन मैं कल पूरा दिन आपके साथ था और जब आप पुशअप्स लगा रहे थे तो मैं उनको गिन रहा था। आपने कल 2500 यानी 2500 पुशअप्स लगाए थे। मोहम्मद अली मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं, मैं उन पहले वाले पुशअप्स को नहीं गिनता हूं। क्या मतलब, रिपोर्टर ने पूछा। मोहम्मद अली ने कहा, देखिए जब मैं पुशअप्स लगाना शुरू करता हूं और पुशअप्स लगा लगा कर थक जाता हूं, और एक समय ऐसा आता है कि जब ये कंडीशन आ जाती है कि अब तो एक भी पुशअप और नहीं लगा सकता, तब मैं अपने दिमाग को कहता हूं, गिनना शुरू कर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर मैं 1000 पुशअप्स लगाता हूं। यही मेरे 1000 पुशअप्स होते हैं। उसके पहले मैंने कितने पुशअप्स लगाए मैं नहीं जानता। रिपोर्टर हैरान था। उसने फिर से पूछा, सर आपका ये जो पंचिंग बैग है जिसपे आप पंच मारते हो, कितनी देर तक मारते हो पंच। मोहम्मद अली ने कहा, 2 घंटे। रिपोर्टर ने फिर से टोका, लेकिन सर कल तो आपने 4 घंटे पंच मारे थे। मोहम्मद अली ने कहा, देखिए मैं जब पंचिंग बैग पर पंच मारना शुरू करता हूं तो पंच मार मार कर थक जाता हूं,
और एक समय ऐसा आता है कि अब तो एक भी पंच नहीं पड़ेगा। तब मैं अपनी स्टॉप वॉच को यानी घड़ी को शुरू करता हूँ और 2 घंटों तक और पंच मारता हूँ। उसके पहले मैंने कितने समय तक पंच मारे मैं नहीं जानता। दोस्तों, ये इंटरव्यू तो बहुत बड़ा था, लेकिन आपको ये अंदाजा तो जरूर लग गया होगा कि आखिर सफलता पाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए। यानी आज के बाद जब आप मेहनत करते करते थक कर चूर हो जाएं, तब आपको अपने मन से कहना है, चल अब असली मेहनत शुरू करते हैं। और अगर आपने इतनी मेहनत की तो सच मानिए, आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।